दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बासे अलमदार, 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 अब्बासे अलमदार, अलमदार, अलमदार। हमारी बारबेक्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, मलाई बोटी आ गई है और तैयार होना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू। ये दोनों हैं जान और जान की बहन मन, और हमारे साथ विक्की भाई भी हैं। यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज आपको विक्की भाई की आवाज़ सुनाएं और दिखाते हैं आपको कि विक्की भाई की आवाज़ कैसी है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ शहजाद भाई, आपकी फरमाइश पे एक छोटा सा कलाम है, तो आपके इतने इंसिस्ट करने के ऊपर मैं सुना देता हूँ। दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा अब्बास हमारा, दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा, ललकार के फिर फौज को गाजी ये पुकारा, तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो के दरिया है हमारा के तुम्हारा, लो छीन लो ये हम हैं ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, लो छीन लो ये हम हैं ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बासे अलमदार, 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 अब्बासे अलमदार, अलमदार, अलमदार। आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे, रुतबा है अलमदार, अलम साथ है मेरे, लहरा के फरेरा भी ये करता है इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, लो छीन लो ये हम हैं ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है एक हमारा। बार फिर से व्लॉग में हम आपके पास हाजिर हैं और आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू। तो रात जो है वो बारबेक्यू बनेगा। तो ये है मलाई बोटी के लिए कुछ चिकन, हमने चिकन ली, उसके बाद उसे बोनलेस करवा लिया। अब इसे जो है अपने हिसाब से कट कर लेंगे और हड्डियाँ सारी ये हैं तो जो हमारे इस्तेमाल में आएंगी वो रखेंगे, जो पकाने के काबिल होंगे वो हम पका लेंगे। तो ये देखें ये बोटियाँ हैं, अभी इन्हें कट करना है, इन्हें कट कर लें तो फिर आपको दिखाते हैं। और हम बीफ भी लेकर आएँ और बीफ के भी हम जो है वो बारबेक्यू करेंगे रात को, तो सब आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस ये बीफ की कटिंग हो चुकी है जो कि मम्मी ने की है बहुत मेहनत करके, और ये हो गई है चिकन की कटिंग। और मज़ीद अब हम इसके ऊपर मसाला लगाते हैं दोनों पे एक एक करके, उसके बाद फिर इनको कुछ देर के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमने डाल दिया है सरसों का तेल बिहारी कबाब के लिए, और मन जो है वो यहाँ लगी हुई है। अब मज़ीद जो मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। जी इसमें नमक भी ऐड करें थोड़ा, और इसमें थोड़ा और नमक ऐड किया, अभी इसे आप मिक्स करें। मैं बोला था ना शीला अम्मा मिक्सिंग होगी। जी गरम मसाला डालें इसमें आप, एक चम्मच। जी गरम मसाला भी ऐड हो गया इसमें, पपीता भी इसमें शामिल हो चुका है, अदरक लहसुन भी शामिल हो चुका है। पहले इतने को मिक्स कर लिया जाए फिर मज़ीद जो है और उसमें मिक्स करते हैं। ये कबाब में मसाले कुछ कम हो गए, मज़ीद मसाले को बढ़ाया गया है और मैनेज करने के लिए इसमें से थोड़ा सा इसमें डाला गया है। ये रहे जी इसमें मसाला लग चुका है और ये अब मैरिनेट होने के लिए रेडी है। अब बारी है मलाई बोटी की, तो अब मलाई बोटी की तैयारी करते हैं। ये अदरक लहसुन और पपीता अच्छे जो हैं यहाँ पर लगे पड़े हैं। ये आ गई क्रीम, मलाई बोटी में बहुत ज़रूरी चीज़ है।
और ये आ गए बाकी के मसाला जात मलाई बूटी के लिए। और ये देखें जान भी सीख रहे हैं, जान मलाई बूटी बनाना सीख रहे हो। इधर देखो जान, जान कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी होती है खुशबू के लिए। पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला भी डल गया। ये काली मिर्च और कुटी हुई मिर्चें आ गई हैं। ये कॉर्नफ्लोर ताकि सारे मसाले जो हैं वो गोश्त पे चिपक सके। और साथ में ये आ गई दही। और ये मसाला रेडी हो गया, अब इसको गोश्त पे अप्लाई किया जाएगा। ये इसमें गोश्त डाल दिया गया और तमाम मसाला जात को मिक्स कर दिया गया। एक चीज़ की कमी हो गई है, इसमें नमक डलेगा ऊपर से, तो नमक अभी डाल लेते हैं इसमें ऊपर से। तो बेहतरीन तरीके से मसाला लग चुका है इसके ऊपर। और चाहे तो कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा बढ़ा दें, लेकिन मुझे मना किया जा रहा है कॉर्नफ्लोर बढ़ाने के लिए, तो मेरा ख्याल है बस इसको इतना ही छोड़ते हैं। कोयले जलाने की तैयारी कर ली हमने, ऊपर तो परेशान कर रही है। दो पीस जो हैं वो हमने चेकिंग के लिए रख लिए कि इनका नमक और मसाला टेस्ट कर लिया जाए, अगर कुछ कमी बेशी होगी तो फिर उसे बेहतर कर लिया जाएगा। टीवी भी नहीं खुला, और कोयले जैसे रेडी होते हैं तो फिर हम इन्हें सेकना शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं फरहान भाई, हमारे साथ हैं शकील भाई, और हम लोग जो हैं यहाँ पर ये बना रहे हैं। और बच्चे जो हैं वो नीचे जा चुके हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे ऊपर। हमारी बारबेक्यू ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है, बस अभी चिकन मलाई बूटी रहती है वो उसको भी हम बनाएंगे, उसके बाद ही फाइनल। मलाई बूटी आ गई हैं और तैयार होना शुरू हो गई हैं, और हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, फटके हाथ में आ गई है। और ये फरहान भाई ऊपर नीचे करते करते आधा सामान नीचे से ऊपर लाओ फिर ऊपर से नीचे लेके जाओ, हालत बुरी हो गई है। ये जोशी बैठे ना, इन्होंने प्रोडक्शन कर दी है, बोले मेरा लल्ला है।